अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू कमल्स क्लासिक किचन। आज हमारे किचन में हम बना रहे हैं फ्री रेंज शाही चिकन हांडी। शाही चिकन हांडी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 1200 ग्राम चिकन, 3 से 4 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने चॉप करके रख लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने चॉप करके रख लिया है। मसाले जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो हैं 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नटमेग पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कलवंजी, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, जिंजर का मैंने तकरीबन 2 इंच का पीस लेके उसको काट के रख लिया है। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूँगी 1 टेबलस्पून श्रेडेड कोकोनट, 1 टेबलस्पून फ्लेक्ड आलमंड्स, 1 प्याली सब्ज धनिया कटा हुआ और 1/2 कप ऑलिव ऑयल। चलें दोस्तों, अब हम शाही चिकन हांडी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक हांडी में ऑलिव ऑयल डालेंगे और साथ में कटा हुआ प्याज डाल के इसको गोल्डन करेंगे। प्याज का कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन का कलर चेंज हो जाने तक हम इसको फ्राई करेंगे। जी दोस्तों, जितनी देर में चिकन फ्राई हो रहा है हम टमाटर और कोकोनट को मिक्स करके इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। चिकन को 5 से 7 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, कलवंजी, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, मस्टर्ड सीड्स और नटमेग पाउडर। मसाले डालने के बाद हम चिकन को मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक चिकन को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें 1/2 जिंजर डालूंगी और थोड़ी सी जिंजर मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूंगी। जिंजर डाल के इसको मज़ीद 1 मिनट तक पकाएं और उसके बाद हम इसमें टमाटर और कोकोनट का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें टमाटर और कोकोनट का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हाई मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। चिकन को फ्राई करने के बाद जब इसके सिरों से घी निकलना शुरू हो जाए तो हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसको लो मीडियम हीट पे तकरीबन 5 से 10 मिनट या अगर ज़रूरत पड़े तो उससे ज़्यादा भी रखेंगे। चिकन को पानी डाल के हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये फ्री रेंज चिकन है और इसको गलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तकरीबन 15 मिनट्स के बाद चिकन में मौजूद पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और चिकन भी गल चुका है।
अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। 2 मिनट के बाद अब हम इसको डिश आउट करेंगे। चिकन को डिश आउट करने के बाद हम इस पे सिल्वर एलमंड स्प्रिंकल करेंगे और साथ में जिंजर थोड़ी सी जो हमने बचा के रखी थी। जी दोस्तों, हमारी बहुत मज़ेदार फ्री रेंज शाही चिकन हांडी तैयार है। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।